व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4K TV के प्रोग्राम नाज़ बरदारिया में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मुस्तनद खबरों, गैर जानबदाराना तबसरों और बेलॉग तजियों पर मुश्तमिल है। इस प्रोग्राम में हम रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तानी अदारों और अवाम की तर्जुमानी करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले चंद माह से हमारे वतन अज़ीज़ में सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से बड़ी सरगर्मी नज़र आ रही है। हमारा मीडिया बिलअमूम, सोशल मीडिया बिलखसूस जो है, वो इस बारे में बड़ा मुतहरिक दिखाई दे रहा है। मोहतरम नाज़रीन, वतन अज़ीज़, पाकिस्तान में क्या जमहूरियत नाकाम हो चुकी है? क्या सदारती निज़ाम कामयाब रहेगा और ऐसा कौन सा निज़ाम है जो हमारी अवाम को गुरबत और मसाइल की चक्की से निकाल सकता है? हम आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में मेरे सवालात के जवाब देने के लिए और हालात वाक़ियात का तज़िया करने के लिए पाकिस्तान के मुमताज़ दानिशवर, मारूफ कॉलम नगार, सीनियर तज़ियाकार जनाब मोहम्मद अदरीस नाह साहब मौजूद हुआ करेंगे। तो आइए इस बारे में उनका बेलॉग तज़िया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम ईशा, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है सर। सर, जैसा कि मैंने अर्ज किया, आज तक हर तरफ जो है जमहूरियत से छुटकारा हासिल करने के लिए और मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज के लिए जो बड़ी आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारे मसाइल का हल जमहूरियत के पास नहीं है? और क्या जमहूरी निज़ाम जो है वो आवाम को डिलीवर करने से कासिर है और हमारे मसाइल का हल जो है वो सदारती निज़ाम में मौजूद है? बहुत शुक्रिया ईशा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इस वक्त पूरी कौम जो है वो एक मखमसे का शिकार है। हमें समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरफ जाना है। हमने 75 साल जो है जमहूरियत और आमरियत के दरमियान गुजारा है। जमहूरियत वालों को ये गिला है कि आमरियत ने हमें कुछ करने नहीं दिया, लेकिन आमिर ये समझते हैं, डिक्टेटर्स ये समझते हैं कि अब तक जो कुछ उन्होंने डिलीवर किया है पाकिस्तान को, उन्होंने किया है, हम जमहूरियत कुछ नहीं कर सकी। जमहूरी हुकूमतें नाकाम हुई। आप नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहबा, वो तो कल की बातें हैं, आप उनके अदवार को देख लें, कैसी सियासी कश्मकश हुआ करती थी। वो 2.5 साल एक दूसरे को चलने नहीं देते थे, तो बार बार हुकूमतें जो थी डीरेल होती थी और हुकूमतें गिरा दी जाती थी। फिर आप सिर्फ तजिया करें ना, हम सियासी तौर पर आप देखिए कि डिक्टेटर्स का दौर, हम अगर अयूब खान साहब के दौर से शुरू करें तो जितने भी अब तक के डैम्स बने हैं वो सिर्फ एक डिक्टेटर के दौर में बने हैं, जिन्हें अयूब खान साहब कहते हैं। पाकिस्तान के कर्जे अगर उतरे तो वो ज़िया उल हक़ के दौर में उतरे, वो भी एक डिक्टेटर हैं। और अगर दौलत की रेल पे लोई तो मुशर्रफ के दौर में, वो भी एक डिक्टेटर हैं। अलकिसर होता ये कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कर्जे लिए वो जमहूरियत ने लिए। तो अब लोगों के जहनों में ये सवाल उठना यकीनी तौर पर नागुजीर हो चुका है कि क्या जमहूरियत आवाम को कर्जों की दलदल से, गुरबत की दलदल से और मसाइल की दलदल से निकालने में नाकाम हो चुकी है। इसका अगर हम गैर जानबदारी से तजिया करें जी। तो हमें एक लम्हे के लिए रुकना होगा। मैं अपने नाजरीन को और आपको बताना चाहूँगा कि रियासत को चलाने के लिए जी। कौन सा सिस्टम जो होता है और कैसे कामयाब हो सकता है। याद रखिएगा, कोई भी निज़ाम हो, कोई भी सिस्टम हो, वो खुद से नहीं चलता, उसको कोई पहिए नहीं लगे होते, उनको चलाने के लिए अफराद की ज़रूरत होती है, उन्होंने उस सिस्टम को चलाना होता है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, आप देखिए कि ममलकत को, रियासत को चलाने के लिए अफराद की ज़रूरत होती है ना। हमने एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया इब्ने खल्दून से, ये हमने खदो खा लिए। इब्ने खल्दून कहता है कि एक रियासत, एक बड़ी रियासत होती है, आप रियासत पाकिस्तान को लें, हम 25 करोड़ की आबादी का मुल्क हैं, एक बड़ा रकबा है, तो इस मुल्क को चलाने के लिए हमें लाखों लोगों की ज़रूरत होती है, लाखों काबिल तरीन लोग जो इस रियासत को चलाएंगे, सिस्टम को चलाएंगे, अवाम को मसाइल से निकालेंगे। उनके चुनाव के लिए एक कुलिया दिया है इब्ने खल्दून ने। इब्ने खल्दून लिखता है कि रियासत को चलाने के लिए हमें लाखों लोगों की ज़रूरत होती है और हमारे पास सिर्फ 4 तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं जी। वो कहता है कि इन 4 तरह की कैटेगरीज के लोगों में से आपने एक को सिलेक्ट करना होता है, कैटेगरी के लोगों को। इब्ने खल्दून ने ये फलसफा दिया, पूरे यूरोप ने इब्ने खल्दून के इस फलसफे को लिया, हमने भी इसी को लिया है। ये जो हम मुकाबले के इम्तहान करते हैं, बुनियादी तौर पर उन लोगों को चुनने के लिए करते हैं जिन्होंने इस रियासत को चलाना होता है, इस सिस्टम को चलाना होता है, वहां से हम लोग लेते हैं। तो इब्ने खल्दून ने क्या कहा, इब्ने खल्दून कहता है कि रियासत को चलाने के लिए 4 तरह के लोग जो होते हैं मौजूद होते हैं, उनमें से आपने एक कैटेगरी के लोगों का चुनाव करना है। वो कहता है कि सबसे पहले वो लोग चाहिए आपको जो अहल भी हों और दयानतदार भी हों, ये इब्ने खल्दून कहता है। अब 25 करोड़, एक बड़ी आबादी का मुल्क, उसको चलाने के लिए अहल और दयानतदार लोग, वो कहता है कि आपको इस तादाद में मिलेंगे नहीं, कि मतलब आप समझ लें कि 10-15 लाख लोग आपको ढूंढने ऐसे। पाकिस्तान के 106 अज़ला हैं, 106 DC चाहिए, पता नहीं कितने डिप्टी कमिश्नर चाहिए, कितने आपके, एक लंबी लाट है जो आपको चाहिए, लाखों लोग चाहिए आपको। तो वो कहता है कि सबसे पहली जो कैटेगरी है उसमें आते हैं अहल और दयानतदार लोग, कहते हैं कि आपको इतनी तादाद में नहीं मिलेंगे। उसने 4 कैटेगरीज का फिर जिक्र किया, 3 और वो जिक्र करता है।
पहली अहल और दयानतदार, अहल भी हो यानी कि कॉम्पिटेंट भी हो और अनेस्ट भी हो, वो कहता है दूसरी कैटेगरी में ये है कि हो अहल मगर बददयानत हो, तीसरी कैटेगरी में वो कहता है हो बददयानत, मतलब पहली कैटेगरी में कहता है अहल हो और बददयानत हो, अगली कैटेगरी में दयानतदार हो मगर नहल हो, चौथी कैटेगरी में कहता है नहल भी हो और बददयानत भी हो, वो कहता है इसको काट दें आप, इन लोगों को तो आपने रखना ही नहीं, इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी, अवल उल जिक्र मिल नहीं रहे, नापैद हैं, कमयाब हैं, मादूद हैं, और आखिरी कैटेगरी के लोग आम हैं, मुझ जैसे सड़कों पे बिखरे पड़े हैं, वो नहल भी हैं, बददयानत भी हैं, आप उन्हें कहें कि आप जिले का इंतजाम चलाएं, वो नहीं चला सकते, उसे पता ही नहीं मुझे सुबह आप डीसी गुजरांवाला बना के बिठा दें तो मैं क्या करूँगा वहाँ बैठ के। अच्छा, ऐसे लोग जो हैं ये जगह जगह बिखरे पड़े हैं, वो कहता है कि इनको आप क्रॉस लगा दें, इन लोगों को आपने कंसिडर ही नहीं करना, गिनना ही नहीं, नहल और बददयानत भी, अव्वल उल जिक्र मिल नहीं रहे। अब दरमियान वाली दो कैटेगरीज में आप ऐसे शख्स का इंतखाब कर लेते हैं जो है तो इंतहाई दयानतदार, बहुत दयानतदार है वो, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करते हैं, वो शरीयत पे चलने वाला बंदा है, वो नमाज रोज़ा ज़कात जो है वो किसी एक पहलू से भी अच्छा इंतहाई दयानतदार भी है, सादिक और अमीन की जो आपने पैरामीटर मुकर्रर किया है हमें इस्लाम ने दिया है उस पर पूरा उतरता है, और आपका आइन जिसे कहते हैं 62-63 उस पर पूरा उतरता है, लेकिन वो है ना है। अब उस दयानतदार बंदे को किसी ज़िले का सिर्फ डीसी लगा दें, ममलकत खुदादा या एक बड़े सूबे को चीफ सेक्रेटरी के तौर पर चलाना वो अगली बात है जी। आप उसे एक ज़िला दें, है वो दयानतदार आदमी लेकिन नाहिल है, आप उसको बिठा दें सीट पर, अब क्या वो रियासत को या रियासती इदारे को या वो एक ज़िले को चला सकता है क्योंकि वो नाहिल है, उसके नीचे जितने भी लोग बैठे हैं, एक पटवारी तक उसे, एक थाने का मुंशी तक उसे चलने नहीं देगा क्योंकि वो नाहिल आदमी है, उसे पता ही नहीं है मामला को कैसे चलाना है, तो वो पटवारी ही उसे अब ऐसी भूल भलैयों में गुम कर देंगे, आईन और कानून की ऐसी पेचीदगियां पेश करेंगे कि वो बंदा आगे नहीं चल सकेगा। अब हमारे पास सिर्फ एक कैटेगरी बची, वो है वो कॉम्पिटेंट आदमी, अहल हो लेकिन बददयानत हो। इब्ने खल्दून कहता है कि रियासत को चलाने के लिए आप इस कैटेगरी के लोग चुन लें, हैरान कन बात है ये, इब्ने खल्दून कहता है कि आप रियासत को चलाने के लिए, किसी भी मुमलकत को चलाने के लिए, किसी मशीनरी को चलाने के लिए, रियासी मशीनरी को, आप वो लोग चुन लें जो कॉम्पिटेंट हो यानी कि अहलियत की इंतहा पे हों, लेकिन अब है वो अहल लेकिन बात ध्यान दी करेगा वो करप्शन करेगा जी। खान साहब कंटेनर में खड़े होकर कहा करते थे कि हमारे मुल्क में 12 अरब रुपए की डेली करप्शन है, बिल्कुल ऐसे है। मतलब अहल तरीन लोग हैं आपकी ब्यूरोक्रेसी, जो आपके यहाँ DIG हैं जी। आप उन्हें सुबह कहें कि आपने स्कॉटलैंड यार्ड में जाके पुलिस का काम करना है तो उनके लिए ना लैंग्वेज का मसला है ना उन्हें कानून की, उन्हें कोई कोर्स नहीं करना पड़ना नए सिरे से, वो जाके काम करेंगे। आपका यहाँ जो कमिश्नर है, आपका DC जो है, वो दुनिया के किसी कोने में भी जाके वो काम कर सकते हैं, आज से काम कर सकते हैं, हमने इतने कॉम्पिटेंट लोग चुने हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो अहल हैं, लेकिन करप्शन क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने इब्ने खल्दून के उस कुलिये के मुताबिक वो लोग चुन लिए हैं जो हैं तो अहल मगर हैं बददयानत, वो करप्शन करते हैं। अब जो 12 अरब रुपए की बकौल खान साहब के जो करप्शन थी, जो हमने ये कंटेनर से पे सुना था उनसे कि जो 12 अरब रुपए डेली की करप्शन थी, अब वो समय लेके 36 अरब रुपए की रोजाना पे दो गुना बढ़ चुकी है उसमें, तो उसमें इजाफा हुआ। अब चूंकि हमने उस कैटेगरी इब्ने खल्दून का वो फलसफा लिया, हमने उस कैटेगरी के लोग चुने, अब इब्ने खल्दून ने साथ एक और बात कही वो हम भूल गए, हमने इब्ने खल्दून की एक बात को तो पल्ले बांध लिया कि हमने रियासती मशीनरी को चलाने के लिए जो अहलकार चुनने हैं, जो ब्यूरोक्रेसी चुननी है, जो सरकारी मशीनरी को चलाएंगे, वो हमने अहल मगर बददयानत लोग, यहाँ कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। वैसे हमारे सिस्टम में ये लिखा है कि जिस बंदे के बारे में जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई उसको आप सिलेक्ट ना करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ रियासी नंबर दिए हमने इब्ने खल्दून के इस फलसफे को लिया, आप लोगों ने वो चुन लिए, अब वो करप्शन कर रहे हैं, बैठ के बड़ी सीट पर बैठे हैं, हैं कॉम्पिटेंट, आप कह ही नहीं सकते कि आपके ब्यूरोक्रेट जो है नाहल हैं, बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, दुनिया के ज़हीन तरीन लोग हैं, पूरे सिस्टम को समझते हैं, उनके सामने है दुनिया, उनकी हथेली पे रखी हुई है, करप्शन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह यह है कि वो हैं अहल मगर बददयानत। इब्ने खल्दून ने एक बात साथ कही, उसने कहा कि ज़रूरी है कि आप उनके ऊपर जो वाच कौंसिल बनाए, उस वाच कौंसिल का नाम आप पार्लियामेंट रखें, उसका नाम आप कबीना रखें, उसका नाम आप कुछ भी रखें, उस वाच कौंसिल का नाम, हमारे यहाँ दो ऐवान है, ऐवान बाला है, एक ऐवान ज़ेरी है, कौमी असम्बली है और सेनेट है। अच्छा, ये वाच कौंसिल है, बेसिकली इन लोगों ने कानून साजी करनी है और उन पर निगाह रखनी है, हैरान कन बात। अब यहाँ आपने क्या करना था, ये जो वाच कौंसिल थी ना, जिसने उन 10-12 लाख 14 लाख 15 लाख लोगों को मॉनिटर करना था,
वहां हमने कौन से एक कैटेगरी के लोग चुन के भेजने थे, मतलब आपको 100 लोग चाहिए सिर्फ, तो 25 करोड़ में से सिर्फ 100 लोग आपने अवलुल जिक्र चुने थे जी। जो ध्यानतदार भी हों और अहल भी हों, यानी कॉम्पिटेंट और अनेस्ट, वो चुन के हमने 100 लोग भेजने थे, जो कबीना चलाते, जो आपकी मुकन्ना को चलाते, जो आपकी पार्लियामेंट को चलाते, वो हमने भेजने थे। अब मजे की बात ये कि हमने जो चौथे कैटेगरी पे उसने जिक्र किया था इब्ने खल्दून ने कि ध्यानत भी और नहल भी, इत्तेफाक की बात कि हमने अक्सरियत में वो चुन के ऊपर भेज दिए। हमारा सिस्टम फेल कहां से हुआ? डेमोक्रेसी, मैं डेमोक्रेसी पे बात नहीं करना चाहता, मेरा अपना फलसफा तो ये है कि डेमोक्रेसी जो है ये इंसानियत को और अवाम को डिलीवर करने में कतई तौर पर एक नाकाम एक सिस्टम है। ये मेरा फलसफा नहीं है, सुकरात से लेकर आज तक जितने भी फिलासफर हुए उन सब ने यही कहा। सुकरात को तो इसी वजह से सजाए मौत हुई ना, उस पर 3 एलिगेशन थे ना। नंबर 1, हमारे सिस्टम के खिलाफ है, वो डेमोक्रेसी का हिस्सा था, सेनेट का रुकन था, 3 दफा सेनेट का रुकन मुंतखब हुआ, लेकिन सुकरात कहता था कि ये सिस्टम जो है जिसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं, उसने कहा था कि ये मैथमेटिकली गलत है। सुकरात ने कहा, उसने मैथमेटिकली उसने दलील दी, उसने कहा कि मैथमेटिकली आप देखिए कि एक हलका है उसमें 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी, ए को मिले 33, बी को मिले 33, सी को मिले 34, तो आपने कहा जी ये इस इलाके का मुंतखब नुमाइंदा है। सुकरात कहता है 66% लोग उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये मुंतखब नुमाइंदा कैसे हो गया? ये अवाम की तर्जमानी नहीं कर सकता, ये उनका मुंतखब नुमाइंदा नहीं है क्योंकि 66% ने उसे रिजेक्ट किया है। अच्छा खैर, उसने तो और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन आज का हमारा मौजू ये नहीं है। हम बात कर रहे थे सिस्टम को चलाने वाले लोग, ये सिस्टम नाकाम क्यों हुआ? जैसा भी सिस्टम था जमहूरियत, उसमें जो खामियां थी जो खूबियां थी उन पे बात ही नहीं हम कर रहे। हम बात करें कि जमहूरियत पाकिस्तान में फलाप क्यों हुई और हम सदारती निज़ाम की तरफ क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं या उसकी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। ज़रा सोचिएगा कि हमने जो चौथी कैटेगरी के लोग थे, जो बदयानत भी थे नाहल भी थे, हमारे सियासतदान जो हैं उनमें अक्सरियत, मैं अक्सरियत की बात इस वजह से कह रहा हूँ कि किसी की दिल आजारी ना हो, अपने तो ही हर कोई समझे अपने अपने दिल में मेरी गुफ्तगू सुन के कि मुझे उसने छोड़ दिया, मुझे उसने दयानतदार कहा है और अहल भी कहा है। तो हमने, हमारी अवाम ने, पाकिस्तानी अवाम ने उन लोगों को चुन के भेजा क्योंकि यहाँ जमहूरियत पाकिस्तान में दुनिया का महंगा तरीन खेल बन गया है। यहाँ यूनियन काउंसिल का इलेक्शन जो है 1 करोड़ रुपए में पहुंच गया है और हमारा MPMNA का इलेक्शन 50 करोड़ से शुरू हो रहा है और लाहौर के हलकों में ये 300 करोड़ का इलेक्शन है। तो इतनी महंगी जमहूरियत, जिस जमहूरियत में आप सिर्फ मेरे जैसे गरीब लोग जो हैं वो इस जमहूरियत का हिस्सा नहीं बन सकते, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये एक मजाक बन गया, ये एक बकवास लगने लगी। तो आप इस इलेक्शन में सिर्फ वोट तो डाल सकते हैं, आप जीवे जीवे फलां फलां जीवे उसके नारे तो लगा सकते हैं, आवे आवे फलां है, उसके उसके दफ्तर के सामने ढोल पे भंगड़ा तो डाल सकते हैं जी जी। आपको नाचते नाचते खलियां बेशक पड़ जाएं, आप ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप इस मुल्क में जमहूरियत का वो पार्ट नहीं बन सकते कि आप कहें कि मैं भी लोगों की तर्जमानी कर सकूँ। इतना महंगा इलेक्शन कौन लड़ सकता है? मेरे जैसे लोग तो पूरी जिंदगी 1 करोड़ कमा नहीं सकते, 1 करोड़ रुपया लगा के वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन कैसे बनेंगे? MNA MPA तो बहुत दूर की बात है, और सेनेटर का इलेक्शन यहाँ तो 5 अरब रुपए से शुरू होता है, यानी कि ये वो हकायक हैं जो सबके सामने हैं। तो हमने जमहूरियत को सोची समझी स्कीम के तहत इतना महंगा किया। जमहूरियत खूबियां और खामियां अपनी साइड पे, ये एक जमहूरियत की खामी है जिसका मैंने जिक्र किया, लेकिन जैसी भी जमहूरियत थी वो पाकिस्तान में नाकाम क्यों हुई? कि हमने वो जो 100 लोग चुन के ऊपर भेजने थे जिन्होंने कबीना, जो जिसे आप कैबिनेट कहते हैं, उस कबीना ने मॉनिटर करना था अपने अपने डिपार्टमेंट्स को, हर मिनिस्टर ने अपने लोगों को देखना था, अपने डिपार्टमेंट को देखना था, लेकिन सेक्रेटरी लेवल का बंदा तो अहल है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन वो बददियानत है। ऊपर जिसने बैठना था उसे चाहिए था उसमें जो सलाहियत होती, उसमें जो क्वालिटी होती जो इब्ने खल्दून कहता है, वो अहल भी होता और दयानतदार भी होता। इत्तेफाक से हमने नाअहल और बददियानत लोग वहां भेज दिए। मैं एक मिसाल देता हूँ, आपके वहां यहाँ पाकिस्तान में वाटर एंड पार्क के एक मिनिस्टर थे जी। तो असेंबली में वो एक लफ्ज नहीं बोल पाए थे, इंग्लिश का एक लफ्ज था, टर्मिनोलॉजी थी कोई इसके बारे में, मैं उनका नाम नहीं लेता, सारी पब्लिक को पता चल गया मैं किनका जिक्र कर रहा हूँ। तो उस जमाने में जो हमारी सेक्रेटरी थी वो काबिल तरीन खातून, तो भाई ऐसे काबिल तरीन लोगों को हैंडल करने के लिए, उनको लीड करने के लिए, उनके ऊपर मॉनिटर करने के लिए हमने ढगे बिठा दिए जिन्हें पता ही नहीं है, जो ऊपर से देख भी नहीं पढ़ सकते जी। वो लोग आपने असेंबलियों में भेजे। अब मुझे बताइए कि वो लोग ऐसी ब्यूरोक्रेसी से काम ले सकते हैं? जब कालाबाग डैम का इशू होगा या कोई भी इशू होगा तो आप ऊपर एक नाहिल बंदा बैठा होगा ना, तो जो आला तरीन ब्यूरोक्रेट है वो नहीं बनने देगा, वो ऐसी पेचीदगियां पैदा कर देगा। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट क्यों नहीं, ब्यूरोक्रेसी रुकावट क्यों बन जाती है? उनके पास ऐसी ऐसी आईनी और कानूनी पेचीदगी है कि ऊपर ढगे बैठे हैं, नाहिल लोग बैठे हैं, बददियानत लोग बैठे हैं,
उन्हें समझ नहीं आती, वो उन्हें समझ आने नहीं देते। तो ईशा प्रॉब्लम कहाँ हुआ कि हमने जो 100 लोग सिलेक्ट करने थे वाच काउंसिल के लिए, मॉनिटरिंग काउंसिल के लिए, कबीना के लिए, हम उसमें नाकाम हो गए। हमने अहल और दयानतदार लोग वहाँ पहुँचने ही नहीं दिए। वहाँ भी हमने चौथी कैटेगरी के लोग जिनको उसने मुस्तरद कर दिया, उसने कहा कि इन्हें क्रास लगा दो, उन पर जिक्र भी नहीं करना, हमने वो लोग मॉनिटरिंग काउंसिल में भेज दिए। तो अब नतीजा क्या निकला कि जमहूरियत बैठ गई, सिस्टम फ्लॉप हो गया। आप 75 साल के बाद, 74-75 साल के बाद ये सोचने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान से जमहूरियत को बाय बाय बोल दिया जाए, सदारती निज़ाम लाएं। अच्छा, अब सवाल ये, आपने पूछा मुझे क्या सदारती निज़ाम हमारे दुखों का मदावा है, क्या सदारती निज़ाम जो है वो पाकिस्तानी कौम को ऊपर उठा सकता है इस रियासत की सरबुलंदी के लिए, इसकी खुद मुख्तारी के लिए, इसकी तरक्की व तमीर व तरक्की के लिए, क्या सदारती निज़ाम ठीक है पाकिस्तानी अवाम के सभी के जहन में ये सवाल है। तो ईशा मैं आपसे ये पूछूंगा, सबसे पहली बात तो ये कि सदर बराह रास्त मुंतखब होंगे, वो भी तो एक हमारे मुल्क में महंगा तरीन सिस्टम होगा, वो भी मतलब जिसके पास खरबों रुपए होंगे वो इस सिस्टम में आ सकेगा वो पार्टी। अच्छा चलिए ठीक हो गया, सदारती निज़ाम आए। अब मुझे बताइए कि एक फर्द बाद ने तो रियासत नहीं चलानी, उसके लिए भी तो आपको 100-150 लोग चाहिए ना। एक सदर जो है उसकी आप उसकी मजलिस शूरा कहें, आप उसकी कबीना कहें, जो भी आप उसे कहें, पार्लियामेंट का नाम दें, कबीना का नाम दें, जो भी उसका नाम देंगे, जैसे ज़ियाउल हक़ साहब ने एक मजलिस शूरा बनाई थी, आप उसको कोई भी नाम दें, कबीना तो कहेंगे ना उसे, एक सदर है, उसने अपनी कबीना के जरिए तो चलाना है उसे। अब 100 लोग जो आपको चाहिए, मुझे ये बताइए कि क्या आप 100 लोग इस कैटेगरी से चुन सकते हैं जो अहल भी हो और दयानतदारी भी हो, दयानतदार भी हो? क्या आपके सिस्टम में, आपने सिस्टम में ये खूबी पैदा कर ली, आपने लोगों में ये शोर डेवलप कर दिया कि आपने 100 लोग वो चुने हैं जो अहल भी हो और दयानतदार भी हो? ईशा, जब खान साहब कंटेनर पे थे जी, तो खान साहब हर रोज तकरीरें किया करते थे कि ये लूट के खा गए, ये नाहे लोग हैं। तो तब भी मैंने कॉलम लिखा और आज फिर दोबारा से ये दोहराता हूँ बात, मैंने तब कहा था कि खान साहब आप पाकिस्तान में जमहूरियत में आखिरी उम्मीद हैं मेरे जैसे लोगों की। मेरे बाद जो आने वाली जनरेशन है उनकी पता नहीं कितनी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, लेकिन मेरी जनरेशन जहां मैं जिंदगी की आखिरी सांस गिन रहा हूं, वहां पे मैंने कहा खान साहब आप, कॉलम में लिखा कि खान साहब आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। तो आखिरी उम्मीद आप हैं, मुझे कंटेनर में जो लोग आपके इर्द गिर्द खड़े हैं वो लग नहीं रहा कि वो 100 लोग हैं जिनके जरिए से आप, 25-30 लोग चाहिए ना, 50 लोग चाहिए, 100 लोग चाहिए आपके कबीना के लिए। 100 की कबीना नहीं होती, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ रिवाज है ना एक जहाज साइज की कबीना बनाने का, कि 50 मिनिस्टर्स हों, 50 एक तो वफाकी वजीर हो, फिर वजीर ममलकत हों, और फिर वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, और पता नहीं क्या क्या हम बनाते हैं। हमने 1000 लोगों को आरे लगाना होता है, रोजगार देना होता है। तो मैंने कहा खान साहब हमें सिर्फ 100 लोग चाहिए जो अहल भी और दयानतदार भी हों। आपने अपने इर्द गिर्द कंटेनर पे जो लोग इकट्ठे किए हैं वो सारे के सारे लोग किसी ना किसी सियासी पार्टी में रह के, किसी ना किसी हुकूमत में रह के उन्होंने लूट मार की है। और मुझे बताइए, जब नाम लिए बगैर ये जो इस कबीना के लोग हैं, जब वो कहते हैं कि ये सारा किया दिया जरा पिछली हुकूमतों का, तो हंसी नहीं आती कि फिरदौस आशिक अवान ये कहें कि जो भी आज गलाजत है, जब फवाद चौधरी साहब कहें कि जो कुछ भी है हम पिछली हुकूमतों का किया जरा जो है वो भुगत रहे हैं। भाई पिछली हुकूमतें कौन है? शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती कि पिछली हुकूमतें कौन सी? बाबा पिछली हुकूमतें आप हैं, आपको हम 30-35 साल से, किसी को 20 साल से, किसी को 40 साल से हम मुसलसल हुक्मरानी में देख रहे हैं। वो हर एक नई शेरवानी लेते हैं, एक नई वजारत लेते हैं, और शेर रशीद पार्टियां चेंज करते हैं। शेर रशीद साहब जो है उन्होंने 15-16 वजारतें अब तक वो जो है हंडा चुके हैं। तो अगर वो कहेंगे ये पिछली हुकूमतों ने किया, तो बाबा आप क्या थे? आप पहले अवाम थे, आप ही तो हमारे हुक्मरान हैं, आप ही तो हमेशा वजारतों में रहे हैं। आपका ये कहना कि जो भी किया पिछले हुक्मरानों में किया, तो पाकिस्तानी अवाम से मेरी अपील है, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आपको शऊर नहीं है, आपको इस बात की समझ नहीं आती? याद रखिएगा, पाकिस्तानी कौम जब तक पाकिस्तानी नहीं बन जाती, जब तक हम नून लीगे रहेंगे, जब तक हम पिपलिए रहेंगे, जब तक हम काफ लीगे रहेंगे, जो जो कुछ भी हम रहेंगे, याद रखिएगा तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ईशा, बात सिस्टम को बदलने की नहीं है, ये नहीं है कि आप जमहूरियत को छोड़ के सदारती निज़ाम ले आए, बात सोच को बदलने की। जब तक आवाम को ये अवेयरनेस नहीं दे देते आप, आपका सोशल मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके अखबार आवाम में ये शऊर बेदार नहीं कर देते कि आपने वो 100 लोग हैं वो सामने लाने हैं जो अहल भी हों और दयानतदार भी हों, उस वक्त तक ना जमहूरियत कामयाब हो सकती है, ना आपका सदारती निज़ाम कामयाब हो सकता है।
नाज़रीन आपने हमारे सीनियर तजियाकार की बातें सुनी, मुझे उम्मीद है आपको आपके बहुत से सवालात के जवाब मिल गए होंगे। मज़ीद खबरों पर तबसरे के लिए और इन पर बेबाक और बेलाग तजिए के लिए हमारा प्रोग्राम नाज़ बरदानियाँ देखना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपनी मेज़बानी शाह रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।